मैं ये बोल रहा हूँ जो बेसिक आरती होती है ये यही सब है ना, अभी से अटाजन तो नहीं है ना? नहीं पंडित जगन्नाथ मिश्र द्वारा रचित गंगा लहरी से कुछ श्लोक लेकर मां गंगा से प्रार्थना करें। प्रपद्यन्ते भगवती मंत्र भगवती मुबाधे स्फुरतीष्टीतरसी सपे तो
अर्थात हे मां गंगे, बहुत लोग जो तुम्हारी शरण में आते हैं उसमें हेतु यह होता है कि तुम उनके सभी मनोरथों को पूर्ण कर देती हो। परंतु मां, मैं तुम्हारी शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मेरी आत्मा ने तो बिना किसी स्वार्थ के स्वभाव से ही तुमसे अपरिमित प्रेम किया है। हे मां गंगे, जो ललाट पर अनायास तिलक रूप में धारण करने से मनुष्यों के अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट करने के लिए निश्चय ही मध्यान्हकालीन प्रचंड सूर्य के समान बन जाती है और विधाता के द्वारा लिखे हुए अशुभ लेख दौर्भाग्य को भी तत्काल मिटा देती है। हे मां, यह तुम्हारी मृत्तिका मेरे सभी शोकों को दूर करे। मलगंगे भैया की जय। भैया आरती दर्शन के लिए हर की पौड़ी पर पधारे समस्त श्रद्धालु भक्तों का श्री गंगा सभा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। कलिमल हारिणी पाप नाशनी माँ गंगा हम सभी भक्तों का कल्याण करने वाली है। मानव मात्र के कष्टों को हर कर सुख संपदा प्रदान करती है। हमारा आप सभी से अनुरोध है कि आप सब माँ गंगा की पवित्रता को बनाए रखने हेतु माँ गंगा के समक्ष माँ गंगा को साक्षी मानकर अपनी दोनों हाथ उठाकर हेलो हमारे साथ भाई आरती आरती होगी तो संकल्प ले और आप सभी के संकल्प का स्वर इतना हो हेलो कि इस पार के अरे सुबह क्या कर रहे हैं भाई उस पार और उस पार के बॉलिंग का है अभी सुन इस पार पहुंचे। अच्छा जरा देखो जरा और शेयर कर दिया तुमने। हाँ यार तो हर की बॉडी हम देखिए करके हाँ लिंक भेजो मुझे आज ठीक है मुझे लिंक भेजो। गंगा मैया की साक्षी ने संकल्प लेते हैं कि पतित पावनी माँ गंगा की जल की हेलो पवित्रता जी गंगा आरती चंदी से एवं निर्मलता बनाए रखने हेतु गंगा जल को प्रदूषित नहीं करेंगे। मरवंगे माँ गंगा को साक्षी मानकर हम सभी ने
जो संकल्प लिया इस संकल्प की सार्थकता के लिए आप सभी हमें सहयोग प्रदान करें। हर की पौड़ी एवं घंटाघर क्षेत्र में जो भी यात्रीगण पॉलीथिन का प्रयोग कर रहे हैं, हमारा उनसे विनम्र निवेदन है कि जाते समय पॉलीथिन उठाकर अपने साथ ले जाएं, दूर किसी स्थान पर कूड़ेदान में डालें, गंगा तट पर ना छोड़ें। सामने की ओर जो यात्रीगण गंगा तट पर जूते चप्पल पहनकर बैठे हुए हैं, कृपया उनसे निवेदन है माँ गंगा के तट पर जूते चप्पल पहन कर ना बैठे, अपने जूते चप्पल ऊपर की ओर उतार दे। उन्हें आपसे निवेदन है माँ गंगा के तट पर जूते चप्पल पहन कर ना हस्ते जनमानाय कृतस्य अस्ति दिवसे पूजनाख्ये कर्मणा श्री गंगा दिव्यै प्रियतां नमः समृद्धिरस्तु संसिद्धिरस्तु शक्राय नमः। कुछ ही समय पश्चात माँ गंगा की दिव्य आरती का दर्शन आप सभी श्रद्धालु भक्तगण करेंगे। आइए उससे पूर्व हम सभी मिलकर कुछ क्षणों के लिए माँ गंगा का नाम संकीर्तन करें। हर हर गंगे जय माँ गंगे, 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 पावनी जय माँ गंगे, मोक्षदायिनी जय माँ गंगे, पाप नाशिनी जय माँ गंगे, संकट हरिणी जय माँ गंगे, मंगल करिणी जय माँ गंगे। हर हर शंकर जय शिव शंकर, हर हर शंकर जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय माँ गंगे, 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 हर हर गंगे जय माँ गंगे। सभी श्रद्धालु भक्तगणों से अनुरोध है कृपया सभी मास्क अवश्य लगाकर रखें। सभी लोग बैठ जाएं कृपया करके। उन्हें सभी श्रद्धालु भक्तगणों से कृपया सभी मास्क अवश्य लगाकर रखें। बैठ जाए आप लोग, तुम लोग बैठ जाइए। देखिए सभी माता के परम भक्त एक बार ध्यान दें, माँ जगत जननी के आरती का जितना समय नहीं पहुँच रहा है, सभी भक्त बड़े प्रेम से महामाई का एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलो गंगे मैया की जय, बोलो साचे दरबार की जय। देखिए अभी से कुछ ही समय में माँ गंगा जी का आरती दर्शन आपके सामने होगा। गंगा मैया का अभिषेक पूजन हो चुका है और अभिषेक पूजन के बाद माता रानी का 1011 बड़ी और 10 छोटी 21 आरतियां आपके सामने होने जा रही है। और ये माता रानी की वो आरती है जिस आरती के दर्शन के लिए मानव ही नहीं स्वर्ग लोक से मृत लोक में 33 करोड़ देवी देवताओं की हाजिरी। माता के परम भक्तों जिसकी व्यवस्था
कोई नगर पालिका गवर्नमेंट मंदिर की ओर से, ये सौभाग्य केवल आप आने वाले भक्तों को जाता है। जो भी माता का भक्त आज के आरती में अपने परिवार की सुख शांति के लिए महामारी के चरणों की एक आरती का खर्चा देना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे परिवार से एक बड़ी आरती का अनुष्ठान मिले, तो कोई लंबी चौड़ी रकम नहीं लगती। बड़ी आरती का खर्चा मात्र 501 रुपए होता है और छोटी आरती का खर्चा मात्र 101 रुपए होता है। सैकड़ों माता के भक्त बैठे हैं, सैकड़ों श्रद्धालु परिवार खड़े हैं। बोल देना किस भक्त का बिचारे कि पहली हाजरी हाथ उठाकर महामारी के चरणों में लगाए और दिए हुए दान का भी है। यहाँ केवल आरती से पहले आपके मीत में दान के लिए नहीं, आरती के बाद हमारा कोई भी आदमी आपसे दान के लिए कह नहीं। ये गंगा मैया की आरती जन्मों जन्मों को ये 301 रुपए का दान ये तीनों भाइयों की तरफ से माँ जगत जननी के चरणों में, गंगा मैया के चरणों में दे रहे। गंगा माई की यात्रा मंगल में करें, घर परिवार में अन्न धन के भंडार भरे, यात्रा मंगल में हो। और एक छोटी आरती में मात्र केवल 101 लगता ही है और बड़ी आरती में 501 लगता ही है। वो भी एक आरती दान दे क्या भैया, अपना हाथ बढ़ा के दान दे और देवे दान बची बात में। एक छोटी आरती में 101 लगता नहीं है। गंगा माँ की आरती है पापों की आरती भी है। अभी 5:05 3 होगा और 5 आरती होती है। अरे भाग्य मान का पैसा गंगा जी की आरती में पूजा में गरीबों के भोजन में गरीबों के घरों में गायन की समय समय में ये आपका दान लगता भैया। ये आपका दान गंगा जी की आरती में लेता है। आरती के बाद में कोई भी सज्जन शांति की वार्ता नहीं करा दिया तो एक आरती दान लगता है तो मात्र केवल स्वयं लगता भी है। मेरे पास 2.8 होता ना मजा परिवार के बिचारे आरती में भोग में आरती का सुंदर समय है। गंगा जी का आरती दान और बड़े सौभाग्य आरती होगा वो इसी दान को होता है। और किसी भक्त परिवार का विचार है तो गंगा मैया के जुड़ों में हाथ बढ़ा देना और दिए हुए दान का यहाँ से रसीद प्राप्त। और ये गुजरात के भक्त अपने परिवार से एक आरती का खर्चा 101 रुपए का दान गंगा माई के चरणों में दे रहे हैं। गंगा मैया की यात्रा मंगल में घर परिवार में अन्न धन के भंडार भरे। ये सोलह भाई की तरफ से दान दे दिया। बोलिए भैया और किसी माता के भक्त का विचार है और परिवार का विचार है जो भी दान का भी अर्जी बोली के लिए माँ गंगा जी के चरणों में अपनी पवित्र कमाई से माता लेकिन 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको ऑन केवल आप लोगों के दान से सर को देखते रहना ठीक है। जैसा जिसकी भावना है जैसा जिसको दिया है पवित्र कमाई से गंगा माई के चरणों में सहयोग दें। ये पकड़ो और पकड़ो पकड़ो फटाफट पहले गंगा जी पूजन होगा उसके बाद आप तो भैया। बोलिए भैया इधर से कोई माता का भक्त और भी कोई श्रद्धालु परिवार दान धर्म भजन और किसी भाई ने जरा मतदान बोली भी आदि से आगे
देना कर Bye, boy, get it.